ये खबर जिस जिस तक पहुंची है यकीनन वो उसकी आंख इस वक्त अश्कबार होगी। आप क्या कहेंगे? मैं पहले भी कह चुकी हूँ किसी फैमिल देखते हुए ना सिर्फ एक आर्टिस्ट था बल्कि एक शहरी का एक इंसान एक बाप एक भाई एक बहुत सटीक इंसान को जैसे कहा जाता है कि पूरी एक इंसान का फसल पूरी इंसानियत का फसल है। ये एक सच बात है। I would just say please be sensitive जब रिपोर्टिंग करें आप लोग प्लीज 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 क्योंकि उनकी फैमिलीज भी देख रही हैं बच्चे देख रहे हैं हम जब जिंदगी को हम वापस नहीं लेके आ सकते लेकिन हम उनको उनको उनके बारे में ये इज्जत जरूर दें कि उनके फैमिली के साथ हम सब करते बहुत सेंसिटिविटी की ज़रूरत है। कोई ऐसी चीज़ ना हम कह दें कि जो जिससे और ज़्यादा तकलीफ उनकी दिल आज़ारी हो। बहुत बहुत अच्छी खूबसूरत बात की आपने जीना सानी साहिबा। हम भी चाह रहे हैं कि हम कुछ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल ना करें जिससे हिजान बरपा हो या उनकी दिल आज़ारी हो। आपने क्या कभी इकट्ठे परफॉर्म किया किसी प्लेटफॉर्म पे साबिर साहब के साथ? उसके हवाले से कुछ यादें ताज़ा करें। मैं ज़रूर बताऊँगी लेकिन जो फुटेज भी आप लोग दिखा रहे हैं बच्चे देख रहे हैं उनकी फैमिली देख रही हैं प्लीज प्लीज भी सेंसिटिव हम तो आप लोग हैं मगर और ज़्यादा सेंसिटिव हो गए। मैं असल जितना जानती हूँ कि जी हमने सारी उम्र उनके वालिद को उनके चाचा को सुना और उन्हीं के नक्शे कदम के अंदर भी चल रहे थे। अब तो आवाज़ भी मिलने लग रही थी उनकी बहुत ज़्यादा उनसे बहुत चहीते थे सबके। मैंने जिसको भी सुना जिसके भी सुना हमेशा तारीफ करते थे और बहुत हंसमुख थे। ये हमेशा सब कहते थे कि बहुत ही ज़्यादा खुश मिजाज इंसान। जाहरी है कि सर अब हम इनमें बातें रह जाती हैं लेकिन ये है कि ये जो हुआ है बहुत संगीन है। इसमें आई होप दैट ऑल द मीडिया इज़ गोइंग टू बी सेंसिटिव एंड कोई इश्तियाल अंग्रेजी ना फैलाई जाए इस बारे में फनकार तो ग्लोबल प्रॉपर्टी होता है दुनिया भर में हर कोई उससे प्यार करता है आज हमें नहीं रहा। क्या आपके सेंटीमेंट्स थे जब आप तक ये खबर पहुंची सर? मेरे तो जान निकल रही है और मेरा दिल रो रहा है मैं खुद रो रहा हूँ पूरा पाकिस्तान रो रहा है कि एक ऐसे आदमी की जानकारी जो जो इस पूरे साल और स्पेशली इस महीने में बाबरकत महीने में वो